हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन कलर सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन कलर सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन कलर का, स्क्रीन कलर पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है ना स्क्रीन कलर का ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका है ना पहले से स्टैंडर्ड के सामने वाले सर्कल पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा। अगर आप ये प्रो के सामने वाले सर्कल पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन का कलर ना हल्का सा रेड हो जाता है, हल्का सा, ठीक है। अगर आप इसे ब्राइट पे सिलेक्ट करेंगे सामने वाले सर्कल पे, तो आपकी स्क्रीन का कलर बिल्कुल ही व्हाइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ना स्क्रीन का कलर आपको शायद मेरे सेकंड कैमरे से चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा ठीक से, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ही हल्का सा चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस क्या होता है। देखिए आपको नीचे की साइड एक कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट का ये ऑप्शन दे रखा है, इसके नीचे एक लाइन है और ये पॉइंटर है। इस पॉइंटर को अगर आप जो है लेफ्ट में कर देंगे तो आपकी स्क्रीन का कलर बिल्कुल ही व्हाइट हो जाएगा, एकदम ही सफेद, ठीक है। और अगर इस पॉइंटर को अगर आप राइट में कर देंगे तो आपकी स्क्रीन का कलर हल्का सा रेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको चेंज होता हुआ कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इस पॉइंटर को मैं आगे पीछे जल्दी जल्दी करूंगा, तो आप मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर जो है आपको हल्का सा कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं हल्का सा कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसके बाद आपको नीचे की साइड ये डिफॉल्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन जो है ना डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करने से क्या होता है कि आपका मोबाइल फोन का जो स्क्रीन का कलर है ना वो आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाता है आपके मोबाइल फोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्क्रीन कलर सेटिंग को आप ना इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्क्रीन कलर, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा स्क्रीन कलर का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।